सो दोस्तों, ये है ग्रिल सैंडविच टोस्टर। इसे मैं अमेज़ोन से परचेस कर रहा हूँ। देख सकते हो आप, इसे मैंने 5 जुलाई 2021 को ऑर्डर किया था। इसकी कीमत 255 रुपये है और 58 रुपये डिलीवरी चार्ज है, इसलिए ये मुझे 313 रुपये में मिला। सो इसकी डिटेल्स है, कलर ब्लैक, मटेरियल एल्यूमिनियम, ब्रांड टोसा और स्टाइल है ग्रिल, और मटेरियल टाइप फ्री है, ऑयल फ्री। सो अबाउट दिस आइटम के अंदर लिखा है ग्रिल सैंडविच टोस्टर, और इसमें हमें एक पीस सैंडविच टोस्टर मिलेगा, और इसे हमें वुडन या नायलॉन की स्पुतला से यूज़ करना है ताकि हमारी कोटिंग डैमेज ना हो। और इसकी साफ़ सफाई के दरमियान हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसे गर्म पानी से डिटर्जेंट या साबुन मिलाकर इसे गर्म कपड़े से पोंछना है, और ध्यान रखना है कि हम इसे गर्म गर्म ठंडे पानी में ना डालें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे हमें सिर्फ मीडियम फ्लेम पे यूज़ करना है। सो दोस्तों, इसकी रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, मज़ेदार है, और आगे मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, और इससे ग्रिल सैंडविच टोस्टर किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको रेटिंग बताऊँगा कि कितना होना चाहिए। आप अपनी खुद मर्जी से देख लेना कि कितनी रेटिंग इसकी होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से अगला स्टेप शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा ग्रिल सैंडविच मेकर। इसे मैंने अमेज़ोन से परचेस किया है 313 रुपये में, लेकिन इसकी जो यहाँ पे तोसा कंपनी का है और प्राइस बता रहा था 499। चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा वारंटी कार्ड, इसे रखते हैं हम साइड पर, और ये है हमारा बिल इनवॉइस, इसे भी रखते हैं हम साइड पर, और ये है हमारा ग्रिल सैंडविच मेकर। इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका मटेरियल टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। यह है इसका लॉक, ये लॉक हमने खोल दिया जस्ट, और देखते हैं इसका मटेरियल कैसा है। अंदर से तो कोटिंग वोटिंग सब बराबर लग रहा है मुझे, और इसका जो मटेरियल है वो भी अच्छा है, चलेगा सैंडविच मेकर के लिए, इतना मटेरियल तो चलेगा ही चलेगा। ये जो लाइन्स है इसकी वजह से हमारे ब्रेड पर गोल्डन लाइन्स बनेगी। ये लॉक है इसका, इस तरीके से लॉक लगता है, और लुकिंग तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, सैंडविच बनाने के लिए हमने सैंडविच स्प्रेड लिया है, इसे हम सैंडविच ब्रेड पे लगाते हैं, और ये है हमारा रेगुलर क्लासिक साइज़ का सैंडविच ब्रेड। ये कुछ इस तरीके से है, देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन चलेगा। इस ये 800 ग्राम है 55 रुपये में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड पे सैंडविच स्प्रेड लगाया, फिर ये आलू की स्टफिंग ली है। आप इसमें कोई भी स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं एज यू विश, सलाद भी डाल सकते हो आप इसमें। कुछ टोमेटो और ऑनियन डालूँगा, और ये हमारी घर की चटनी है होममेड। और सेकंड पे भी सैंडविच स्प्रेड लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही लुक बढ़िया दिख रहा है, इसमें ये नहीं डलता है। और मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, सेजवान सॉस, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से डालेंगे। और दोनों ब्रेड को एक दूसरे के ऊपर रख कर हमारे सैंडविच मेकर के अंदर रख के, उससे पहले हमें सैंडविच मेकर के अंदर ऑयल लगाना पड़ेगा। तो ये ऑयल है, और ऑयल की पल्ली से ही मैं दोनों ब्रेड पे भी लगा देता हूँ और सैंडविच मेकर पे भी ऑयल लगा देता हूँ। ये हमने लगा दिया ऑयल, और ये कुछ इस तरीके से रख कर गैस ऑन करके इसे ऐसे दबा देना है प्रेस करके, और ये जो आजू बाजू से निकलता है एक्स्ट्रा, उसे हम साइड पे कर देते हैं। और इसे आपको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के पकाना है। हमें इसे एक एक मिनट पे खोल खोल कर देखते रहना चाहिए
ताकि हमारा सैंडविच चले ना। सो फ्रेंड्स, लगभग हमारा सैंडविच तैयार होने आ गया है, तो चलिए इसे अब कटिंग करते हैं। और फाइनली ये कट हो गया। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितना स्मूदी है और बहुत ही गर्म है। दूसरा भी सैंडविच हमने बनाने के लिए रख दिया है। देखते हैं दूसरा सैंडविच कैसे बनता है। ये कलर तो बहुत ही गोल्डन ब्राउन आया है और आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस दिखाऊंगा किस तरीके से है। बहुत ही ज़बरदस्त। सो गाइज, इसे अब हम कट करते हैं। देख सकते हो आप, सुन सकते हो आप कि कट करने की आवाज़ में भी कितनी क्रिस्पीनेस है। इसके बाद आप इसे कोई भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है। वाह, मज़ा आ गया।